चित्रकूट जिले की मऊ तहसील रामनगर में आदर्श रामलीला कमेटी का आयोजन हुआ है। बीती रात धनुष यज्ञ लीला का मंचन हुआ। भगवान राम के धनुष भंग करते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाए हैं। लीला देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। धनुष यज्ञ लीला के मंचन में विदेहराज जनक ने पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा कर शर्त रखी है कि जो शिव धनुष को भंग करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इसमें मुनि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और भ्रातृहरि लक्ष्मण भी पहुंचे। जब एक से एक बलशाली राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं सके तो विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान राम ने शिव धनुष भंग कर दिया। इसके बाद सीता का प्रभु राम के साथ विवाह हुआ। इस दौरान दर्शकों ने भगवान के जयकारे लगाए। इस मौके पर अविनाश चंद्र द्विवेदी, मऊ मनिकपुर विधायक, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अर्जुन प्रसाद शुक्ल मौजूद रहे। उपस्थित आप सभी का सत सत अभिनंदन। मंच पर विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण और उनके साथ मुनि जी का मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। बंधुओं, रामलीला हम प्रतिवर्ष देखते हैं और निश्चित तौर पर भगवान राम का जो चरित्र है, इस रामलीला के मंचन के माध्यम से जो हम सबको बताया जाता है, उस रामलीला को हमें अपने घर में लागू करना है। उनके उस चरित्र को हमें अपने घर में लागू करना है। भगवान राम ने किस प्रकार से गरीबों को अपना करके देश दुनिया के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। हम सबको मिले, मिलाए, गले लगाए, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जो पीछे हैं सब समाज में, उनको हम आगे लाने के लिए प्रयास करें, उनको ऊपर उठाएं, अपने घर में भाईचारा बनाएं, भाई भाई में प्रेम बढ़ाएं, माता पिता की सेवा करें, गुरु का आदेश माने। जो भगवान राम ने करके दिखाया है, हम सबको अपने जीवन में इसको उतारे, यही सार इस रामलीला मंचन का है। हम सब लोग उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, तो यही निवेदन करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों की लीला के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।